आज काफी अच्छा हरा भरा माहौल है यहाँ पे, रंग बिरंगा माहौल है अथर्व नगरी में। एक बार फिर से मैं आज अथर्व नगरी में हूँ। मेरे पिछले ब्लॉग में मैंने आप लोगों को दिखाया था इंडिपेंडेंस डे के सेलिब्रेशन में कि काफी बढ़ चढ़ के यहाँ के लोग हिस्सा लेते हैं हर कार्यक्रम में, चाहे त्यौहार हो चाहे इंडिपेंडेंस डे हो, 26 जनवरी हो। तो आज होली का त्यौहार यहाँ पे मनाया जा रहा है और हर त्यौहार की तरह यह त्यौहार भी काफी धूमधाम से मनाया जाता है। तो आइए मैं दिखाता हूँ यहाँ पे कि सारे बच्चे सुबह से ही काफ़ी एक्टिव है, सब लोगों के हाथ में रंग बिरंगे पिचकारी है। बच्चे लोग मतलब बड़े लोग तो यहाँ पे सोए हुए थे, लेकिन बच्चे लोग उसके पहले स्कूल जाने के लिए काफ़ी लेट लोग उठते हैं, लेकिन आज सब लोगों को किसी को भी उठाना नहीं पड़ा और सब लोग जल्दी जल्दी उठ के देखिए कैसे सबके हाथों में रंग बिरंगी पिचकारी है। तो बाकी की भी चीज़ें मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि गार्डन में क्या क्या व्यवस्था की गई है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। देखो अब मैं आ चुका हूँ यहाँ अथर्व नगरी के गार्डन में और यहाँ पे सारे बच्चे, ये देखिए एलबी प्रिंस, इसका भी यूट्यूब चैनल है और गेमिंग का चैनल, और ये देखिए छोटे बच्चे काफ़ी एक्साइटेड है। सबके चेहरे आज पहचान में नहीं आ रहे, कोई लाल कलर से रंगा हुआ, कोई पीले कलर से रंगा हुआ। देखिए हर बच्चों के हाथ में पिचकारी है और कौन है, किसको मैं भूला, अरे तुम भी अपना चेहरा दिखाओ। देखिए और यहाँ पे मैं अब दिखाता हूँ यहाँ पे मैनेजमेंट, जो कार्यक्रम का मैनेजमेंट किए हैं मिस्टर मेरे प्रसाद भाई, ये होली को सक्सेसफुल बनाने के लिए पूरे मैनेजमेंट में लगे हुए हैं। यहाँ पे देखो अब लोग मेरे को कलर लगाने वाले हैं, कैसे ये लोग प्यार से कलर लगा रहे हैं। हैप्पी होली, थैंक यू सेम टू यू। Thank you.
हो गया हो गया ना।